नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, दो तीन दिन मैं किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आइए हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो है शुरुआत करते हैं। देखिए, माता सरस्वती का नाम लेकर हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए 61वां नंबर क्वेश्चन भी यही है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे सरस्वती। हम लोग 60 क्वेश्चन तक दोस्तों कर चुके हैं पहले ही। जिन्होंने जो है मेरे पहले वीडियो ना देखे हों वो देख लें। जो है पर्यायवाची शब्द मैं शुरू कर रहा हूँ, RO, PCS, APS जितने भी एग्जाम होते हैं आयोग के, या आपका UP SSSC का कोई एग्जाम हो, उन सब के लिए है ये, समान रूप से उपयोगी है। आइएगा हम लोग देखते हैं दोस्तों, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है तो देखिएगा, पद्मा नहीं, ये तो जो है नहीं है जो है, और धात्री जो है ये भी नहीं है, कामाक्षी ये भी नहीं है, कर्णिका जो है दोस्तों क्या होता है, सरस्वती का पर्यायवाची होता है। मैं आपको सरस्वती का अन्य पर्यायवाची बता, देखिए दोस्तों पद्मा जो होता है ना, ये आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है ना, पद्म पर आसन करने वाली, तो पद्मासन ये आपका जो है क्या हो गया, लक्ष्मी का पर्यायवाची। आपके जो सरस्वती के अन्य पर्यायवाची है दोस्तों, आप जानते होंगे लोग कहते हैं माँ भारती का नाम लेकर मैं शुरू करता हूं, तो भारती भी क्या है, संस्कृति सरस्वती का पर्यायवाची। बीड़ा पाणी, आप देखते होंगे सरस्वती जो है अपने हाथ में बीड़ा लिए रहती हैं जो है, तो वो भी हो गया। महाश्वेता भी आपका हो गया जो है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका देखिएगा दोस्तों इला मैंने आपको एक दिन बताया था दोस्तों कि इला जो होता है वो सरस्वती का भी पर्यायवाची होता है दोस्तों, और किसका होता है, भूमिका अर्थात पृथ्वी का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका इला भी होता है, प्लस जो है वागीसा, देखिए वाक की जो ईसा है, जो है वाक मतलब होता है वाणी। ठीक है दोस्तों, वाक मतलब वाणी, तो जो वाणी की देवी है उन्हें क्या कहा जाएगा, वागीसा। वाणी की देवी को क्या कहा जाएगा, वागीसा, अर्थात ये भी सरस्वती जी का पर्यायवाची है। और देखिए कर्णिका, ये भी सरस्वती जी का पर्यायवाची है। और देखिएगा ब्राह्मी, ब्रह्मा जी की, आप जानते होंगे ब्रह्मा जी की पत्नी थी जो है माता सरस्वती जी जो है। ठीक है, एक बार जो है आप दोस्तों कमेंट में लिखिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव थे, इनकी तीनों जो है आपको पत्नी का नाम लिखना है, अर्थात ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की और शंकर जी की। तो देखिएगा ब्राह्मी, अर्थात ये ब्रह्मा जी की जो है पत्नी थी। गिरा, इसके बाद देखिएगा निधात्री और वागेश्वरी, वाग की जो ईश्वरी है, अर्थात वाक मतलब वाणी, वाणी की ईश्वरी, और माँ शारदा, तो शारदा भी आपका क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची। अर्थात अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये देखिए कर्णिका था यहाँ पे, तो ये कर्णिका आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन करा, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची नहीं है, लहर का पर्यायवाची नहीं है, ये बताइए। ऑप्शन देखिए कह रहा है बीच, आपको याद होगा दोस्तों लोग कहते हैं चलो केरल के बीच पर टहलाते हैं, गोवा बीच पर टहलते हैं, अर्थात बीच जो होता है वो तरंग का लहर का पर्यायवाची है। ठीक है, लोग कहते हैं ना समुद्र के चलिए बीच पर, गोवा के बीच पर चलें या जो है चलें केरल के बीच पर। ठीक है, तो इसका मतलब बीच जो होता है ये लहर का पर्यायवाची है। तरंग आप जानते ही होंगे दोस्तों कि वेव, तो तरंग तो होता ही पर्यायवाची जो है, ये भी आप जानते होंगे लोग कहते हैं ना कि बड़ा तरंग हिलोर मार रहा है जो है, मतलब ऐसे जो आता है वेव के रूप में उसको हिलोर भी बोलते हैं। लेकिन जो आपका दुकुल है दोस्तों, दुकुल जो है ये आपका लहर का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ये वस्त्र का पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, वस्त्र का पर्यायवाची है, पट भी वस्त्र का पर्यायवाची होता है, तो दुकुल जो है वो वस्त्र का पर्यायवाची है, जबकि हिलोर हो गया, तरंग हो गया, बीच हो गया, और उर्मी हो गया, उर्मी भी आपका क्या होता है, लहर का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो ये 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए नहीं पूछा था तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दुकुल। अगर आपको दुकुल ना भी पता रहा होता तो आप बीच जानते, तरंग जानते, हिलोर जानते, तो आप जान जाते कि दुकुल जो है अलग शब्द लग रहा है। ठीक है, आइएगा 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। कह रहा है जनार्दन जो है किसका पर्यायवाची है, तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैं आपको दोस्तों बताया था कि कौन कौन से भगवान का पर्यायवाची आप याद कर लें तो आपका काम चल जाएगा। देखिए क्या क्या बताए थे कि आप जो है विष्णु भगवान का याद कर लीजिए, ब्रह्मा का याद कर लीजिए, महेश अर्थात शंकर भगवान का याद कर लीजिए, कामदेव का याद करिए और इंद्र का याद कर लीजिए। ठीक है, कृष्ण भगवान का याद कर लीजिए, राम का याद कर लीजिए, इष्ट और अर्जुन का भी पूछता है। अर्जुन हालांकि भगवान तो नहीं थे लेकिन ठीक है, वो भी जो है एक पौराणिक व्यक्ति थे, तो अर्जुन का तैयार कर लीजिए। तो इस टाइप के लोगों का जो है परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है जो है। ठीक है, नदी में मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको कि आपको गंगा का तैयार करना है, यमुना का तैयार करना है। ठीक है, दो नदी तैयार करिए और प्लस नदी का तैयार करिए कि नदी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, और प्लस समुद्र का तैयार करिए कि समुद्र के कौन कौन पर्यायवाची हैं,
और क्या याद करिए कि पानी के कौन कौन पर्यायवाची हैं, ये नदी संबंधित आप इन चार पांच चीजों का तैयार करिए। तो इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों तो आपका लगभग 50 के आसपास जाएगा पर्यायवाची, 50-60 उसी में से लगभग आ जाता है। तो आइएगा जनार्दन किसका पर्यायवाची है, तो देखिए जनार्दन जो है वो विष्णु भगवान का पर्यायवाची। आप यही 7-8 भगवान जो मैं आपको बताया हूं दोस्तों इसको रख डालिए, इसमें से क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा। तो देखिएगा विष्णु भगवान का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो क्या होता है, विशंभर होता है, केशव होता है, गोविंद होता है, नारायण होता है, जनार्दन होता है, अच्युत होता है, चक्रपाणी होता है, मुकुंद होता है, गरुड़ध्वज होता है क्योंकि गरुड़ की सवारी करते थे, लक्ष्मीपति क्योंकि लक्ष्मी जी के पति थे, फिर जलसाई होता है क्योंकि जल में लेटे रहते थे, आप देखते होंगे शेषनाग पर लेटे रहते थे जो है, चतुर्भुज होता है, देखिएगा चतुर्भुज मतलब हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चतुर्भुज जो होता है दोस्तों वो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है चतुर्भुज, लेकिन अगर वहीं चतुर्मुख आ जाए चतुर्मुख तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, चतुर्मुख आ जाए या चतुरानन आ जाए, चतुरानन अर्थात चार आननों वाले अर्थात चार मुख वाले तो ब्रह्मा जी होते हैं, या चतुर्भुज चतुर्मुख आ जाए अर्थात चार मुखों वाले भी ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। तो चतुर्भुज जो होता है दोस्तों ये विष्णु भगवान का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो जनार्दन भी किसका देखिए पर्यायवाची है दोस्तों, जनार्दन ये किसका है, विष्णु भगवान का है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विष्णु भगवान। हालांकि आयोग ने देखिए संशोधित उत्तर कुंजी में इसका बी ऑप्शन दिया था क्योंकि देखिए विष्णु भगवान या विष्णु भगवान ही तो जन्म लिए थे राम के रूप में भी और कृष्ण के रूप में भी, तो इसका आयोग ने यह माना था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है विवादित रहते हैं, लेकिन यह है कि जब आयोग एक बार जिस चीज को मान ले, आयोग जिस चीज को एक बार मान ले दोस्तों उसी को आप भी माना करिए। जो है जैसे जनार्दन का अगर इसने कृष्ण माना है तो आप भी कृष्ण मानिए, लेकिन होता सही विष्णु भगवान है, ठीक है। लेकिन अगर उसने कृष्ण माना है तो आप भी कृष्ण मानिए क्योंकि इन्हीं के अवतार थे, ठीक है। आइएगा 64 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बगीचा का जो है पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए बगीचा में आप क्या करते हैं दोस्तों, आराम करने जाते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना चलो बगीचा में आराम किया जाए, तो ये बताइए बगीचा पर्यायवाची क्या निर्जन होगा, नहीं, निर्जन तो ऐसा जगह है जहां पे कोई रहता ही ना हो, व्यंजन होगा नहीं, कल्पसाल होगा नहीं, तो बगीचा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा, वाटिका हो जाएगा, उपवन हो जाएगा। लोग कहते हैं ना चमन वाटिका या उपवन हो गया, उद्यान हो गया, बाग हो गया, फुलवारी, निकुंज, तो इसका मतलब लोग कहते हैं ना बाल निकुंज, एक स्कूल का नाम है बाल निकुंज, तो बाल निकुंज मतलब छोटे बच्चों का जो है फुलवारी है या बगीचा है जो है, ठीक है। तो बगीचा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, आराम होता है जो है, ठीक है। आइएगा हम लोग देखते हैं बिडौला शब्द का पर्यायवाची है। अभी मैंने आपको बताया था कि 7-8 भगवान के नाम आपको तैयार करने हैं, तो उसमें मैंने कहा ना कि इंद्र भगवान का नाम या आपको जो है कामदेव का पर्यायवाची, विष्णु का भगवान का, महेश का, शंकर भगवान, ये सब आपको तैयार करना है। तो उसमें देखिए इंद्र का भी पर्यायवाची था, तो इंद्र का भी पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है, तो बिडौला जो होता है दोस्तों वो इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के देखिए अन्य पर्यायवाची कौन है, कौशिक है, देवराज, देवराज इंद्र थे, फिर जिष्णु थे, पुरोहित थे, वज्रधर थे, क्योंकि इनका जो है वो जो इनका जो है वो था दोस्तों अस्त्र था जो है वो क्या था, वज्र का, वज्र ये रखते थे जो है, फिर शक्र है जो है, पुरंदर है, मधवा है, सचिपति, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, जो है इंद्र भगवान की पत्नी का नाम सची था, देवी सची, तो ये सचिपति हो गए। फिर सुरपति, सुर मतलब देवी देवता, और सुरों के पति अर्थात जो है जो देवी देवताओं के जो है मतलब मुख्य थे जो है हेड थे वही इंद्र भगवान थे, ठीक है। तो बिडौला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, इंद्र हो जाएगा। आइएगा हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मार शब्द का पर्यायवाची है, मार शब्द का पर्यायवाची है। आइएगा दोस्तों मार जो होता है दोस्तों ना ये आपके कामदेव का पर्यायवाची है। अभी मैंने आपको बताया कि इंद्र का, कामदेव का, विष्णु, तो जो कह रहे हैं दोस्तों 7-8 भगवान का नाम आप एकदम रटिए जो है उसी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा मार का पर्यायवाची क्या जादू होगा, नहीं, स्वर्ण नहीं, अधम नहीं, अनंग भी क्या होता है, कामदेव का पर्यायवाची। एक दिन मैंने आपको दोस्तों बताया था कि आरओ एआरओ या कोई भी एपीएस का एग्जाम या जो आयोग के एग्जाम होते हैं उसमें दोस्तों पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछा जाता है। और अगर आप कोई वनडे एग्जाम देने जाएंगे जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का भी आयोजन होने जा रहा है 28-29 को, या आप कोई जूनियर असिस्टेंट का पेपर देंगे तो उसमें डायरेक्टली ऐसे कहेगा कि इनमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं, और कामदेव का डायरेक्ट पूछेगा। अर्थात देखिए ऐसे क्वेश्चन आरओ आरओ के करने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि मार शब्द है क्या या किसका पर्यायवाची है या इसका अर्थ क्या है, तब आप जान पाएंगे कि इसका पर्यायवाची होगा, अर्थात आपको सही से तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो मार शब्द जो होता है दोस्तों ये कामदेव का पर्यायवाची है। अब आप कामदेव को पर्यायवाची इसमें खोजिए, तो स्वर्ण तो होगा नहीं, अधम होगा नहीं, अधम नीच है, जादू होगा नहीं, स्वर्ण सोने का है, तो अनंग हो जाएगा आपका,
ठीक है, अनंगपाल नाम का एक जो है आपका राजा भी था, जो है जो एंशियंट काल में दोस्तों। तो मार है, इस्मर है, मदन है, केतन है, अनंग है, मनमथ है, मनसिज है, मन से जन्म लेने वाला, मनोभाव है, रतिपति है, क्योंकि रति के पति थे जो है कामदेव, रति के पति थे, मनोज है, मन से जन्म लेने वाला, जा मतलब जन्म लेने वाला, मयन है, कुसुम सर है, मकरध ध्वज है, ये सब कभी किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आइएगा देखिएगा, लिखा है षटपद का पर्यायवाची है। मैंने अभी आपसे कहा कि आरओ एआरओ के एग्जाम में दोस्तों पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछा जाता है, जबकि इसको पूछना था कि भौंरे का पर्यायवाची इसमें कौन है, तो आप लगा देते भ्रमर, लेकिन ये वनडे का क्वेश्चन हो जाता है। इसमें ऐसा पूछता है दोस्तों, पहले आपको जो दिया है पहले आप उसका अर्थ निकालिए। जैसे षटपद दिया है तो छह पद हो जिसके, तो भौंरा के जो है छह पद होता है, अर्थात छह पैर होता है। तो देखिएगा षटपद किसका पर्यायवाची है दोस्तों, भ्रमर का पर्यायवाची है। तो एक बार जो है आप भौंरे का पर्यायवाची रट लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आता है। देखिए मधुकर है, षटपद है, अली है, भृंग है, मधुराज है, मधुभक्षा है, द्विरेफ, द्विरेफ कई बार परीक्षा में पूछा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है द्विरेफ, आप दिमाग में बैठा लीजिए, द्विरेफ हो गया। चंचरीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, सिलीमुख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से देखिए यही चार चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, षटपद है, द्विरेफ है, चंचरीक है और सिलीमुख है, ये सभी भौंरे के पर्यायवाची है। मधुब भी देखे दिया है, ये सभी क्या है, भौंरे के पर्यायवाची है। आइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भी देखिए। आयोग में कोई भी प्रश्न इस तरीके से आएगा दोस्तों, तो पर्यायवाची का ही पर्यायवाची देगा, डायरेक्ट नहीं देगा कि भौंरे का पर्यायवाची है। तो देखिएगा भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा है। तो ये देखिए अभी भौंरे के पर्यायवाची में देखिए सिलीमुख पढ़े, हाँ देखिए ये सिलीमुख, मिलिंद, मिलिंद इसमें दिया नहीं है दोस्तों, लेकिन मिलिंद भी होता है जो है पर्यायवाची, ठीक है, मिलिंद भी आपका भौंरे का पर्यायवाची होता है और इंपॉर्टेंट भी है, मिलिंद भी आपका क्या होता है, भौंरे का पर्यायवाची। चंचरीक है ही, अभी मैंने आपको बताया कि चंचरीक भी इंपॉर्टेंट होता है, मिलिंद भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सलफ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो 68 नंबर का क्वेश्चन का जो है उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है सलफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सलफ जो होता है दोस्तों वो टिड्डा का अर्थात जो कीट पतंगा होता है उसका पर्यायवाची है। तो इसका उत्तर 68 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सलभ हो जाएगा अर्थात ए हो जाएगा। आइएगा देखते हैं आरएएस अर्थात राजस्थान पीसीएस में आया था क्वेश्चन कि भौंरे का पर्यायवाची है, ये बताइए कुसमासर, चक्रांश, कलकुस, द्विरेफ, अभी बताए थे ना द्विरेफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है भौंरे का पर्यायवाची, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विरेफ हो जाएगा। देखिए कई बार आपका भौंरे का पर्यायवाची आया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। आइएगा फिर से देखिएगा यूपी लोअर सबॉर्डिनेट में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ये बताइए सिलुमुख हो, सिलीमुख है, हाँ है, द्विरद है, द्विरद नहीं होता है दोस्तों, अभी बताए थे द्विरेफ होता है, याद रखिएगा। चंचरीक है कि नहीं, हाँ है, चंचरीक भी है, द्विरेफ है, हाँ ये भी है, तो द्विरेफ भी है, सिलीमुख भी है, चंचरीक भी है, तो बचा क्या, द्विरद, द्विरद आपका पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों भौंरे का जो है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कह रहे थे कि भौंरे का जो पर्यायवाची है दोस्तों इसको आप याद रखिए, तो इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मिलिंद इसमें जोड़ लीजिए, मिलिंद हो गया, मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुबच्छा, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, सिलीमुख, भौंरा, इतना आप याद करिए भौंरे का पर्यायवाची है सब। आइएगा क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग जो है चलते हैं 71 पर जो है, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया, द्विरद। आइएगा 71 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं है जो है, ठीक है। तो आइएगा मत्स्य, ये तो आप जानते होंगे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था अर्थात मछली के रूप में अवतार लिया था, तो होता ही है। मीन, ये तो आप जानते होंगे ना, अभी बता आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, मीनाक्षी अर्थात मीन जैसी आंखों वाली, तो मीन मतलब भी मछली है। सफारी भी आपका दोस्तों क्या होता है, लायन सफारी, उफारी पार्क होता है जो है, तो सफरी भी जो है क्या होता है दोस्तों, मछली ही होता है, ठीक है ना, सफरी भी मछली का पर्यायवाची है। जलोदरी नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों, जलोदरी जो है क्या होता है, मछली का पर्यायवाची दोस्तों नहीं होता है जो है। मछली के देखिएगा पर्यायवाची मत्स्य है, मीन है, अंडभव है, सफरी है, झस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा पूछा झस, झस किसका पर्यायवाची है, मछली का, जल जीवन, लोग कहते हैं ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, तो जल जीवन, उसका जल ही जीवन होता है, तो जल जीवन भी मछली का है। जल तोरी है, ये भी मछली का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। तो झस आप जरूर याद रखिएगा, मछली का पर्यायवाची झस इंपॉर्टेंट है। आइएगा देखिएगा, ये देखिए अभी गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है, अभी देखिए जलधि, जलधि जो है वो दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची है, आप जानते ही होंगे जो है जलधि, केकी, केकी हो नहीं सकता मरीज, अभी बताए थे आपसे ना झस जो है, झस
ये मछली का पर्यायवाची है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आ भी गया क्वेश्चन, तो झस किसका हो गया, मछली का। आएंगे 73 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची है, UPRO 2014 में आया हुआ प्रश्न है प्री में। कई बार मैंने आपको बताया मीनाक्षी शब्द के बारे में कि मीनाक्षी मतलब होता है मीन जैसी आंखों वाली, मीन जैसी आंखों वाली अर्थात कोई बहुत सुंदर स्त्री होगी। तो यहां पे दोस्तों उत्तर सुंदरी होगा, ना कि दुर्गा लक्ष्मी मछली। कारण क्या है कि मीन जैसी आंखों वाली एक ही देवी नहीं थी, पार्वती जी भी थी, दुर्गा जी भी थी, लक्ष्मी जी भी थी। तो आप कैसे बता सकते हैं कि एक किसी का लगाएंगे? तो अगर आपको एक लगाना हो दोस्तों तो आप सुंदरी ही लगाइएगा इसका उत्तर, और अगर सुंदरी ऑप्शन में ना दिया हो तब आप दुर्गा जी लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए ए और बी दोनों माना था जो है उत्तर में। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आप सुंदरी ही लगाइएगा, ठीक है, मीनाक्षी का, मीन जैसी आंखों वाली। आएंगे हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पर्यायवाची के दृष्टिकोण से अगर देखें तो, कई बार परीक्षा में आता है घोड़ा हो गया, शेर हो गया, ये सब आपका कई बार पूछता है जो है। तो आइएगा, इनमें से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो ये बताइए घोटक होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तुरंग होता है, तुरंग भी होता है। सैंधव होता है, हाँ होता है। अश्म नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। अश्म आपका जो है क्या है, घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है, अश्व होता है। बल्कि अगर अश्व दिया होता तो सही हो जाता, लेकिन घोड़े का पर्यायवाची अश्म नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अश्मक जो होता है आपका पत्थर का पर्यायवाची है, अश्मक जो होता है वो पत्थर का पर्यायवाची है, घोड़े का नहीं है दोस्तों। और यही पूछा है कि क्या नहीं है। आइएगा 75 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बाज है, हाँ है, तुरंग है, शार्दुल। मैंने आपको पहले ही वीडियो में देखिए दोस्तों, जिन्होंने मेरा पहले का वीडियो ना देखा हो पर्यायवाची शब्द का, मैं 5 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं जो है, आप पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए। देखिए शार्दुल ठाकुर, मैंने आपको बताया था भारतीय क्रिकेटर है, इस समय ऑलराउंडर है। तो शार्दुल ठाकुर, शार्दुल जो होता है दोस्तों ये सिंह का पर्यायवाची है, ना कि घोड़े का पर्यायवाची है। घोड़े के पर्यायवाची कौन कौन है? बाज है, तुरंग है, घोटक, अश्व, रविसुत, ये सब क्या है आपके जो है घोड़े के पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग 76 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। कई बार बताया आपसे कि आरओ आरओ के पेपर में आपसे पर्यायवाची का पर्यायवाची आता है। देखिए यहां कहीं नहीं कहा कि घोड़े का पर्यायवाची कौन है, आपसे कह रहा है तुरंग का पर्यायवाची बताइए। किंकर जो है दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है बताइए। एक दिन बताया था ना कि किंकर सिंह बस्ती में थे, तो दास अर्थात किंकर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दास। विजन होगा नहीं, अम्बुधर होगा नहीं, जो है दोस्तों बाज। अभी बताए थे ना घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है? बाज। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बाज। तुरंग भी क्या है? घोड़ा। और बाज भी क्या है? घोड़ा। आइएगा 77 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अश्व का पर्यायवाची है, तो अश्व का पर्यायवाची यहां क्या हो जाएगा? तुरंग। हम आगे क्यों नहीं देख रहे हैं सीडी? क्योंकि तुरंग हमें मिल गया ना, तो एक ही तो उत्तर सही होगा। अश्व का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अर्थात तुरंग हो गया। 77 का क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों? तरंग, जो है आपका तुरंग, ठीक है। आइएगा 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बाज शब्द का पर्यायवाची है, बाज शब्द का पर्यायवाची है। तो अभी बताए थे ना घोड़े के पर्यायवाची में कि आपका अश्व, सैंधव, ये घोटक है, बाज, ये सब। तो बाज पर्यायवाची किसका होता है दोस्तों? अश्व का होता, अर्थात घोड़े का पर्यायवाची है। आइएगा देखिएगा सिंह का पर्यायवाची पूछा है, अर्थात कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है, अर्थात शेर का। तो शेर का पर्यायवाची दोस्तों देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। शेर का पर्यायवाची देखिएगा क्या होता है? पंचानन होता है, केहरी होता है। आप देखते होंगे ना दुर्गा जी की आरती इस समय चल रही है, तो लोग कहते हैं ना केहरी वाहन सप्त, इस तरह करके। तो केहरी वाहन मतलब सिंह का जो वाहन करती है जो है। नाहर, ठीक है ना, तो नाहर भी आपका शेर का पर्यायवाची है। शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र, ये सब किसके पर्यायवाची है दोस्तों? ये आपके जो है शेर के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, ये सब क्या है? व्याघ्र। ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? शेर के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा सिंह का पर्यायवाची में? पंचानन उत्तर हो जाएगा। आइएगा 80 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची है, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। आइएगा केसरी, ठीक है, केसरी आपका, केसरी वाहन अभी बताया था ना, केसरी वाहन होता है। तो केसरी वाहन क्या होता है? मतलब शेर की जो सवारी करें, अर्थात दुर्गा जी। तो मृगेंद्र क्या है आपका? जो जो है आपका मृग का जो इंद्र है, अर्थात जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? शेर। तो ये बताइए कुरंग है? नहीं, कुरंग नहीं होगा।
भुजंग है नहीं तो सांप का पर्यायवाची है, तुरंग भी नहीं होगा तो आपका घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा उत्तर, केसरी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, केसरी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 81 नंबर क्वेश्चन पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मृगेंद्र का, केसरी हो जाएगा। आइएगा 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृगेंद्र का पर्यायवाची है, तो अभी बताइए शेर, शेर है मृगेंद्र, तो इसमें देख लीजिए कौन शेर का पर्यायवाची है, क्या कुरंग होगा, नहीं अही है, नहीं अही जो है आपका सांप ओप का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ठीक है। और हिरण देखिए, हिरण तो होगा नहीं, मृगेंद्र, शार्दुल, शार्दुल आपका शेर का पर्यायवाची होता है, मृगेंद्र भी शेर का पर्यायवाची, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए। आइएगा 82 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो देखिए आसान है दोस्तों उसको तुरंत करके आगे बढ़िए। देखिए केसरी का पर्यायवाची तो पक्का है मृगेंद्र होगा, क्योंकि ये भी शेर है, ये भी शेर है मृगेंद्र, शेर का पर्यायवाची। शशक, आइएगा देखिएगा शशक, अब यहां से बदल गया, देखिए शशक का पर्यायवाची चंद्रमा है कि शिशु है कि मृग है कि खरगोश है, तो दोस्तों शशक आपका खरगोश होता है दोस्तों, ठीक है ना, शशक आपका खरगोश का पर्यायवाची है, चंद्रमा भी नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है दोस्तों, शशि, शशि जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि जो है शशक होता है। शिशु होगा नहीं, मृग होगा नहीं, मृग तो हिरण का पर्यायवाची है, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, खरगोश। आइएगा कमल शब्द का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कमल कई बार परीक्षा में आया हुआ है इसलिए कमल जरूर याद रखिएगा। आइएगा कमल का एक बार पर्यायवाची देख लेते हैं, कंदर्प होगा, धनेश होगा, अनंग होगा, इंदिवर होगा। इलाहाबाद में एक कोचिंग चलती है दोस्तों, जो हमारे इलाहाबाद के भी मित्र होंगे वो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो देखे बना रहा था कि कमल जो है, कमल का पर्यायवाची क्या है, इंदिवर। आपको याद होगा इलाहाबाद में एक कोचिंग है क्या, करियर इंदिवर करके, करियर, करियर इंदिवर, तो इंदिवर जो होता है दोस्तों ना वो कमल का पर्यायवाची होता है ना, इंदिवर, इंदिवर क्या है, कमल का पर्यायवाची है। तो देखेंगे कमल के जो जितने भी पर्यायवाची हैं दोस्तों उसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए अनंग, अनंग कामदेव का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है ना, कंदर्प भी मैंने अभी आपको बताया था, तो ये सब क्या है आपके जो है कामदेव पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो आएंगे देखेंगे हम लोग एक बार कमल का पर्यायवाची देख लेते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा कुवलय, राजीव, अंबुज, अंबुज मतलब अंबु में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, पंकज, पंक में जन्म लेने वाला, जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, सरोज, सर में जन्म लेने वाला, सर मतलब आपका देखिएगा दोस्तों अगर तालब्य सा और रा रहेगा तो सर मतलब बाण होता है, ठीक है, सर मतलब बाण, और अगर आपका दंत सा, दंत सा मतलब ये छोटा सा, जिसको आप छोटा सा बोलते हैं दोस्तों एक्चुअल में वो दंत सा होता है, तो दंत सा वाला जो सर रहता है दोस्तों इसका मतलब तालाब होता है, तो तालाब में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा कमल। नीरज, नीर में जन्म लेने वाला, नीर मतलब पानी, आप देखते होंगे जब आप ट्रेन में यात्रा करते होंगे तो कहता है रेल नीर, नीर मतलब वही जो ट्रेन में पानी मिलता है उसी को नीर बोलते हैं, तो नीरज मतलब नीर में जन्म लेने वाला। नलिन, नलिन भी आपका कमल का पर्यायवाची। उत्पल, उत्पल भी कमल का ही। अरविंद, अरविंद भी कमल का है। सतदल, ये भी आपका जो है क्या होता है कमल का पर्यायवाची। ताम्रस, कोकनद, सरसिज मतलब सरस में जन्म लेने वाला, सरस मतलब भी तालाब होता है इसमें जन्म लेने वाला। सतपत्र, ये सब कमल के हैं, तो याद करिएगा दोस्तों कमल का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। आइएगा अरविंद का पर्यायवाची नहीं पूछा है, अरविंद का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो देखिए पंकज होता ही है पंक में जन्म लेने वाला, जलज होता ही है दोस्तों, ठीक है, और अंबुज मतलब अंबु में जन्म लेना, यही आपका मिलिंद नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलिंद क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मिलिंद भौरे का पर्यायवाची, अभी मैंने आपको बताया था ना कि भौरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलीमुख होता है, द्विरेफ होता है, सब भौरे का पर्यायवाची है, तो मिलिंद आपका नहीं उत्तर हो जाएगा क्योंकि आपका जो है कमल का नहीं है पर्यायवाची। आइएगा 86 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची है, ये बताइए ताम्रस, अभी मैंने आपको देखिए कमल का पर्यायवाची जो बताया था दोस्तों उसको याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछेगा जरूर ये कमल का पर्यायवाची। रसाल आपका आम का पर्यायवाची होता है, ठीक है दोस्तों, अंबु आपका पानी है जो है, ठीक है, सोमरस आपका अमृत का पर्यायवाची होता है, ताम्रस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा ताम्रस। आएंगे 87 नंबर क्वेश्चन पर, 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची क्या है नहीं है। तो देखिए राजीव है क्या, हाँ है, कुवलय है अभी बताए थे है, और अंबुज भी है। अब ये देखिए जलद, तो ये है जल को देने वाला, देखिए अगर जलज होता दोस्तों तो हो जाता जल में जन्म लेने वाला, तब तो उत्तर सही हो जाता कमल का पर्यायवाची, लेकिन जलद जो होता है दोस्तों इसका मतलब होता है जल को देने वाला, और जल को देने वाला दोस्तों बादल का पर्यायवाची होता है ना कि कमल का होता है, तो ये आपका बादल का पर्यायवाची है लेकिन कमल का पर्यायवाची नहीं है। आइएगा 88 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्रोध के लिए, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है उसका चयन करिए।
मतलब जो क्रोध का पर्यायवाची ना हो, आप कहते हैं ना बड़ा रोष में आप दिख रहे हैं, अर्थात क्रोध में। अमर्ष जो होता है ये भी क्रोध का पर्यायवाची है। ये कोप, आप लोग कहते हैं ना कि आप हमारे कोप का भाजन बनेंगे, अर्थात क्रोध का भाजन बनेंगे। स्वत्व जो होता है दोस्तों, स्वत्व ये आपका पर्यायवाची क्रोध का नहीं है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, ये अपनापन से, जैसे लोग कहें ना स्वत्व का ध्यान रखिए, मतलब अपने का ध्यान रखिए जो है, तो ये आपका जो है सेल्फ है दोस्तों, अर्थात ये अपने के लिए यूज किया जाता है। तो रोष अमर्ष कोप ये देखिएगा यूपीएसडीआई में आया था, अर्थात जो है दोस्तों ये जो है बीईओ, जिसका अब नाम बदल गया है दोस्तों, जो है इसका जो है क्या हो गया है, बीईओ ब्लैक एजुकेशनल ऑफिसर इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी का जो है ये स्वत्व हो जाएगा, उसमें ये प्रश्न आया था। आएंगे 89 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो है 89 पे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द जो मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित करिए। मोर का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो देखिए केकी नहीं है पूछा है, तो केकी तो मोर का होता है दोस्तों, सिखी सिखी भी होता है दोस्तों, शिखंडी शिखंडी भी दोस्तों क्या होता है, मोर का पर्यायवाची होता है दोस्तों। आप याद करिए शिखंडी जो है महाभारत के एक पात्र थे दोस्तों, ठीक है, शिखंडी भी क्या हो जाएगा, मोर का पर्यायवाची हो जाएगा। कौन थे शिखंडी पता है, शिखंडी जो है वो द्रौपदी का जो है भाई था, लेकिन बाद में जब वो शिखंडिनी बन गया था तो द्रौपदी का हो गया, अर्थात जो है शिखंडी क्या था, द्रौपदी का भाई था। कीस कीस आपका जो होता है दोस्तों, यही आपका मोर का पर्यायवाची नहीं है, शिखंडी भी है, सिखी भी है, केकी भी है। तो एक बार आप मोर का पर्यायवाची दोस्तों पढ़ लीजिए जो है, ठीक है, पूछता है परीक्षा में, किस मोर का नहीं बल्कि बंदर का पर्यायवाची, एक बार मोर का देख लीजिए। ध्वजी है, सिखी है, केकी है, नीलकंठ। आप देखिएगा कभी आप जो है अगर देखे हो मोर, जो गांव के हमारे जो विद्यार्थी गांव ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते होंगे उन्होंने मोर जरूर देखा होगा, और जो शहरी परिवेश में होंगे उन्होंने जो है भी देखा होगा। कहां पे देखा होगा, चिड़ियाघर में देखा होगा, ठीक है ना, तो दोनों लोग देखे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसका आप देखिएगा नीलकंठ, अर्थात जो है नीला हो कंठ, अर्थात जो है आप देखिएगा जो आपका मोर होता है उसका कंठ नीला होता है दोस्तों, ठीक है। कलापी हो गया, सारंग हो गया, शिवसुत वाहन हो गया, और मयूर हो गया, मयूर तो आप जानते ही हैं मोर का पर्यायवाची है। आएंगे 90 नंबर क्वेश्चन, अर्थात इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नहीं होगा, किस किस बंदर का पर्यायवाची। आएंगे हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। देखिए बताए थे ना कि राम का, कृष्ण का, इंद्र का, कामदेव का, विष्णु भगवान, महेश, गणेश, इन्हीं सबका आपको याद रखना है दोस्तों, ब्रह्मा का, इन्हीं सबका पर्यायवाची आपको, मतलब भगवान के नामों में। एक बार देख लीजिए क्या पर्यायवाची कृष्णा का है, राधा है क्या, नहीं, राधा तो कृष्ण कृष्ण भगवान की प्रेमिका थी ना, तो इनका पर्यायवाची थोड़ी ना हो जाएंगी वो, तो ये राधा तो नहीं हो सकता है। रुक्मिणी, रुक्मिणी देखिए दोस्तों कृष्ण भगवान की जो है क्या थी, बहन थी, बहन रुक्मिणी, रुक्मिणी थी, तो ये तो कृष्ण का पर्यायवाची होगा नहीं जो है। और यशोदा, यशोदा तो इनकी माता का नाम था जो है, तो रुक्मिणी देखिए दोस्तों इनकी बहन का नाम था, हाँ दोस्तों देखिएगा, तो कह रहा है कृष्णा शब्द का क्या है पर्यायवाची, तो देखिएगा दोस्तों राधा तो होगा नहीं क्योंकि इनकी प्रेमिका नाम का नाम था। रुक्मिणी, रुक्मिणी देखिए दोस्तों क्या था, इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों, ठीक है ना, इनकी पत्नी का नाम था जो है। इनकी बहन का नाम क्या था कृष्ण भगवान की दोस्तों, सुभद्रा था, जिनके साथ अर्जुन का जो है विवाह हुआ था दोस्तों, ठीक है। कृष्ण भगवान की बहन का क्या नाम था दोस्तों, सुभद्रा। यशोदा देखिए कौन है दोस्तों, इनकी माता थी। रुक्मिणी कौन है दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था। तो ये बताइए बचा क्या, द्रौपदी। तो ये बताइए कृष्णा से द्रौपदी का क्या रिलेशन था, दोस्ती का था दोस्तों रिलेशन, क्यों, क्योंकि जो है अर्जुन की जो है वाइफ थी द्रौपदी, जो है पत्नी थी, तो द्रौपदी से कृष्ण भगवान का जो है दोस्ती का रिलेशन था, जो है सखा सखी का रिलेशन था, लेकिन इनका पर्यायवाची नहीं थी वो जो है दोस्तों, ठीक है ना। इनके पर तो कृष्णा, कृष्ण अगर दिया होता दोस्तों तो ये हो जाता, तो कृष्णा शब्द का आपसे पर्यायवाची पूछा है दोस्तों, तो राधा इनकी प्रेमिका थी तो ये हो नहीं सकता है, द्रुक्मिणी इनकी जो है पत्नी का नाम था तो ये हो नहीं सकता है, जो है यशोदा इनकी माता थी, तो इनका पर्यायवाची मतलब दोस्तों होता है जैसे सखा सखी कोई रहेगा तो दोस्त ही तो रहेगा वो, तो दोस्त रहेगा तो लोग कहते हैं ना अरे हमारे पर्यायवाची बन चुके हैं, पर्याय हैं जो है, अर्थात समानार्थी हैं, मतलब जो मेरा अर्थ है वही उनका भी अर्थ है, कृष्ण भगवान। तो वही कृष्णा, कृष्ण अगर दिया होता तब तो ठीक था, लेकिन कृष्णा दिया है दोस्तों तो कृष्णा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, द्रौपदी। द्रौपदी का भी पर्यायवाची दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, याज्ञसेनी। याज्ञसेनी क्यों बोलते थे दोस्तों, क्योंकि यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, थी तो ये पांचाल नरेश की लड़की जो है, लेकिन यह है कि ये डायरेक्ट पांचाल नरेश की पत्नी के गर्भ से नहीं हुई थी, ये यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, अर्थात यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम याज्ञसेनी था।
पांचाली क्यों नाम था इनका, क्योंकि पांचाल प्रदेश की जो है ये कन्या थी जो है, इसीलिए इनका नाम पांचाली था। सैरंध्री भी इनका नाम था, सैरंध्री इसलिए इनका नाम था दोस्तों क्योंकि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था जो है, 12 वर्ष का मतलब इनका जो है वो हुआ था और एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो इनका जो 12 वर्ष का दोस्तों इनको देश निकाला दिया गया था, तो ये लोग जाके जो है एक जगह राजा के यहाँ रहते थे जो है। तो राजा के यहाँ ये किस चीज का काम करती थी जो है द्रौपदी, द्रौपदी अपना भेष बदलकर जो है रहती थी राजा की सेविका के रूप में जो है, अर्थात सिंगार रानी का जो है सिंगार उंगार करती थी, अर्थात बाल वोल संवारती थी, तो उस समय अपना नाम वो सैरंध्री रखी थी जो है द्रौपदी जो है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इससे आपको थोड़ा पौराणिक चीज भी मैं बता दे रहा हूं, कैसा नहीं कि रटना है कि द्रौपदी सैरंध्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब वही 12 वर्ष का उनको जो है हुआ था कि आप जाइए जो है जंगल में रहिए जो है, और एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो अज्ञातवास का ये नियम था कि आपको कोई पहचाने ना, अगर आपको कोई पहचान लेगा कि आप कौन है तो आपको फिर से 12 वर्ष का जो है वो जंगल में आपको रहना पड़ेगा और एक वर्ष का फिर आपको अज्ञातवास हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपना नाम बदल कर रहती थी जो है, जो है इसीलिए वो अपना नाम क्या रखी थी, सैरंध्री। द्रुपद सुदा क्यों कहते हैं दोस्तों, द्रुपद सुता, क्योंकि जो है वो महाराज द्रुपद की पुत्री थी, जैसे पांचाल नरेश जो थे उनका नाम क्या था, द्रुपद। पांचाल नरेश का क्या नाम था दोस्तों, द्रुपद। तो इन्हीं द्रुपद की जो है वो क्या थी, सुता थी। सुता मतलब क्या होता है दोस्तों, पुत्री। जैसे देखिए पवन सुत जो है थे पवन के पुत्र अर्थात जो है हनुमान जी, वैसे द्रुपद सुता, सुता जो होता है वो पुत्री का पर्यायवाची, अर्थात महाराज द्रुपद की पुत्री थी जो है, इसीलिए इनका नाम द्रौपदी। अर्थात द्रौपदी के पर्यायवाची कौन कौन है, कृष्णा है, द्रुपद सुता है, द्रौपदी भी है क्योंकि द्रुपद की पुत्री थी इसलिए द्रौपदी, याज्ञसेनी क्योंकि यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, पांचाली क्योंकि पांचाल नरेश की पुत्री थी जो है, मतलब पांचाल राज्य की राजकुमारी थी, सैरंध्री मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे क्या तर्क है, क्योंकि ये जब एक वर्ष का अज्ञातवास इन लोगों को हुआ था, जो 13 वर्ष का जो है वनवास हुआ था ना, तो 13 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष का वनवास था और एक वर्ष का अज्ञातवास था, उसी अज्ञातवास में इनको कोई पहचाने ना, ये अपने नाम को जो है सैरंध्री रख ली थी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने दोस्तों 90 क्वेश्चन तक किया, अर्थात हम लोग 30 क्वेश्चन आज फिर किए हैं, तो हम लोग जो है दोस्तों अब जो है नेक्स्ट दिन करेंगे क्वेश्चन जो है 90 के आगे वाला। तब तक दोस्तों आप पढ़ते रहिए तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय तबियत वबियत लोगों का बहुत खराब हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।